सोलो लोंडो, कैसे हो सब लोग? आई नो काफी ज्यादा मजा आ रहा है सोलो लेवलिंग देखने में मेरे साथ में। भाई आज हम एपिसोड 3 देखने वाले हैं, लेकिन एपिसोड 1 यहाँ था ना, मतलब यहाँ था ना, तो 2 तो मतलब बिल्कुल ही ऊपर था, मतलब इतना ज्यादा मजा आया। तो 3 में देखते हैं क्या मजा आता है, लेट्स गो। मैं उसका ना पूरा भाई खून खराबा मचा दिया, हड्डी वड्डी सब पैर हाओ। और ये फाइनल स्ट्राइक मारी थी उसने, खत्म बीच में से आधा। काश मुझे एक और मौका मिलता। नहीं मिलता किंग। ये यार ये क्या हुआ? और इसकी बॉडी ओडी हाथ वाथ सब सलामत है। ये था क्या भाई? दोनों है भाई। मेरे सीने पर वार का भी निशान नहीं है। भाई तो इतना मतलब मार ली थी उसकी पूरी तरीके से, फिर क्या सीन है? ओ अच्छा, तो तुम्हें होश आ गए। ये कौन है? हंटर सर्विलेंस टीम का। अच्छा, मैनेजर हंटर एसोसिएशन का। सर्विलेंस वालों को मुझसे क्या काम हो सकता है? फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। अबे यार, मतलब वो बचा कैसे? वो जो हमने लास्ट वीडियो में जो मतलब वो देखा था, तो यस नो जो वो इसी के रिलेटेड से हुआ था ना, शायद कुछ तो है उसका रिलेशन, अब वो हमको शायद आगे पता लगे। जब खबर मिलने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड मौका वारदात पर पहुंची। व्हाइट टाइगर गिल्ड, ये कुछ, ये देखो ये ऐसे मिला। उन्होंने तुम्हें वहां जमीन पर बेहोश पाया। तुम्हारे अलावा वहां कुछ भी नहीं मिला, ना वो मंदिर और ना ही मूर्ति। लेकिन वो तो सही में यकीन नहीं हो रहा है ना? अगर उन रिपोर्ट्स में किसी तरह की कोई कमी पाई गई होती, या मौका वारदात पर मारे गए लोगों की लाशें ना मिली होती, तो इस पूरी घटना का शक तुम्हारे ग्रुप पर ही आता। कि इन्होंने मार दिया है, फिर इनकी लेनी देनी होती। ये सिर्फ हमारी एक सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? नई शक्तियों का एहसास? इसको क्या पावर वावर मिल गई है क्या? यही एहसास एक हंटर की शक्तियां तय करता है, जिसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। पर कभी कभार एक हंटर को यह एहसास दोबारा भी हो सकता है, जिससे उनकी शक्तियां बढ़कर इस रैंक तक जा सकती है। तब तो शायद मेरी भी। अच्छा है, हो गया गया इसकी भी। इसे कहते हैं मानोमीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो, इससे पता चल जाएगा इसकी शक्तियां। अगर सच में उनका सामना ऐसे खतरनाक मायावी दानवों से हुआ होता, तो कोई भी लो लेवल हंटर जिंदा नहीं बच पाता। वहां दानवों का नाम तो ये जिंदा बचा कैसे? जरूर वहां कोई ए रैंक या एस रैंक का हंटर मौजूद रहा होगा। लगता तो यही है कि इसे अपनी शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। ओ, ये मन में बोल रहा है। क्या पता चला? प्लीज मुझे बताइए कि अब मेरी नई रैंक क्या है। वही है क्या? माफ करना, लगता है कि हमसे कोई बड़ी ई रैंक ही है इसकी अभी। ई रैंक वाले हंटर्स का माना 70 से ज्यादा होता है। ये हंटर बस एक आम इंसान, इसका 10 है। तहखाना गायब हो चुका है और अब उसे ढूंढना नामुमकिन है। आखिर ये जिंदा बच कैसे गया? हाय, वही तो मुझे भी पता करना है, मतलब मुझे भी पता हो। बढ़ गई थी, हैरानी की बात है कि उन्होंने इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। अनरीड मैसेज। ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? ये क्या है? शायद ये टच पैनल नहीं है। ओ, यहाँ पे यही चीज की तो मैं बात कर रहा था जो हुआ था। Will you accept? तो इसने यस कर दिया। पहले भी ऐसा कुछ मेरे सामने आया। हाँ। जीना? जीना इसकी बहन है। तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? पता है कितना घबरा गई थी। हाँ? I'm sorry. बाकी किसी को तो कुछ नहीं होता, न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। पता नहीं कैसे ही ढूंढ लेती है तुम्हें। यकीन नहीं होता मैं इसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार था। अब मुस्कुरा किस लिए रहे हो?
अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हें ये हंटर गिरी ना करनी पड़े। समझ गया, आई एम सॉरी, लेकिन जिना क्या तुम ये देख सकती हो? वो ये किसी को नहीं दिख रही है, बस इसको ही दिख रहा है, ये टच पैनल जो भी है। तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना जो गेम के अंदर आते हैं? तुम गेम के बारे में बात कर रहे हो? तो ये बताओ कि उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है? शायद उन्होंने तुम्हारे दिमाग का चेकअप नहीं किया। तुम तो गेम्स खेला करती थी, भूल गई क्या? तो ये हेल्प करेंगे। मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। अच्छा, मैसेज बॉक्स को खोलो। अचानक ये गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो? यू हैव बिकम अ प्लेयर। और है ही क्या, मैंने ये प्लेयर शब्द पहले भी कहीं सुना है। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लगता है, थोड़ा सा अब अलग सा हो गया सडनली, ऐसा क्यों? सॉरी सॉरी, देर हो गई। सॉरी। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। सिस्टम के दिए हुए निर्देशों को न मानने की हालत में प्लेयर को सजा भी दी जा सकती है। ओके। इनाम भेजे जा चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। डेली मिशन मजबूती की ट्रेनिंग कंफर्म। पुश अप, सिट अप, स्क्वाट्स, रनिंग। डेली मिशन को पूरा ना करने पर सजा दी। कौन सी सजा मिलेगी बट? ये सब है क्या? अगर ये मजाक है तो बहुत ही बत्ता मजाक है। मैं हॉस्पिटल में हूं। ये बैस किया कि इसके साथ कुछ होने वाला है। पर आखिर ये चल क्या रहा है? और वो टाइमर भी चल रहा है उस पे। वो जो हंटर है ना संजिन, वो मुझे नहीं लगता उसे शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है चेयरमैन गो। ठीक है। ओ, एक नया खुल गया यहाँ पर। ये क्या? अब मजा आएगा। हाँ, वो भी एकदम सड़क के बीचों बीच। पर हंटर्स कब आने वाले हैं? काश ये लोग इसके लिए कुछ कर दें। हंटर्स, हंटर्स कब आएंगे? ये सोया हुआ है अभी तक, और इसका टाइमर खत्म होने वाला होगा। हो गया क्या? हो गया खत्म। अब इसको क्या मिलेगा? ये भूकंप है। सजा थी इसकी ये? नो, यही क्या सीन हुआ? इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है भाई। और पीछे मॉन्स्टर, गोल, सरवाइव। 4 मिनट 4 मिनट या 4 आवर, मैंने वो देखा नहीं, बट इसके आगे इतने टाइम सरवाइव करना तो मुश्किल है। और यहाँ से ये गायब हो गया। इस कमरे में जो मरीज था वो तो चल भी नहीं सकता था क्या? लेकिन यहाँ पे ये दौड़ रहा है। वो कान खजूरा टाइप का नहीं है वही है अभी है भाई। 2 मिनट, 2 घंटे, ओके 4 घंटे था, मैं मिनट देखे थे बट वो घंटे था भाई। मुश्किल है भाई। हाँ सही कहा, वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। और ये भाग ही रहा है भाई, इतना कैसे भागे? हो गया, इसकी ट्रेनिंग हो रही है ये। 9 सेकंड और, 9 सेकंड और, बट इतना बच कैसे गया यार? ये कहने वाली बात होगी ना। ये आर्य पास, वो हो भाई, इसके साथ ना अलग लेवल का एडवेंचर स्टार्ट हो रखा है। सर्वाइव्ड। इसकी हालत देख रहा मिशन। क्या है? यू हैव रिसीव्ड। मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? संग को भाई सही संग सॉन्ग सुनाया है इसके। हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने जो मुझे इतना परेशान किया है, उसके लिए तुम्हें मुझे पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। संग जीना। यार नाम एक जैसे रहते हैं ना इन लोगों के ज्यादातर, संग संग सॉन्ग यही हो रखे हैं। आप वहाँ पर मुझे भेजना चाहते हैं? हाँ, तुम्हें भेजना चाहते हैं। आप जॉब में एक डी रैंक का गेट दिखाई दिया है, और फिलहाल सभी गिल्ड बाकी के मामले देख रही है। वैसे मैं तुम्हारे इनकार करने की वजह समझ सकता हूँ। अंटली, हम जानते हैं तुम किस खौफ से गुजरी। ये अकेले ही तो गुजरी हुई है। मांगने की जरूरत नहीं है। और सुनो सुनो, याद आया, सुना है संग जिनवू को होश आ गया?
क्या कहा? ये सच है? हाँ ये सच है ये। हो गई खुश। फ्लावर दिखा रहे हो? चिंपू वो ठीक हो गया, कितनी अच्छी बात है। तू वो तो चोट से ठीक हुआ है, तू मेंटल हेल्थ से कब लगता है वो फिर से कहीं चले गए? चला गया। सच कहूँ तो जब से उन्हें होश आया है वो रोज यही करते हैं। ऐसा क्या किया चिंपू? ये वो कर रहा होगा ना। हंटर्स आम लोगों के मुकाबले जल्दी ठीक होते हैं, पर वो कह रहे थे उन्हें जल्द ही फिट होना है। प्रैक्टिस कर रहा है माना, नहीं तो फिर से मैच के आंख उसमें जाएगा, तो इसीलिए। मुझे होश में आया चार दिन। अच्छा कुछ चीजें अब मुझे समझ में आ रही हैं। ओके पहले ये स्क्रीन्स मेरा कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे तीन तरह के क्या क्या मुझे फुल रिकवरी चाहिए। ओह थकावट पल भर में खत्म हो। ओह ये है। और दूसरी है मेरे एबिलिटी पॉइंट्स। मैं इन पॉइंट्स से अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूं। अच्छा ताकत बढ़ानी चाहिए है ना? एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूं और मैं इन बढ़ी हुई ताकत को महसूस भी कर सकता। तो मतलब इस तरीके से ये भाई अभी ई रैंक भी नहीं है, तो ई रैंक से बढ़ बढ़ के मतलब आगे जा सकता है एस रैंक, है ना? टॉप जाके मजा आएगा एस रैंक के मिशन देखने में। ये है मेरे दिन की आखिरी मिशन का ना, एक मामूली लूट बॉक्स। लूट बॉक्स ओके। इस क्या ये? ओ, की है। एक चाबी। ये मे बी वो जो इसने गेम खेला और लास्ट तक रुका है ना, तो शायद उसके वजह से ये सब ये इसको मिल रहा है या दिख रहा है ना। एक अजीबोगरीब तहखाना। ये क्या है? हाँ पे अब तक जो हुआ है उसे देखते हुए शायद ये भी मुझे मजबूत बनाने के लिए ही होगा। क्या हुआ इन्हें? जरा देखो जीना, मॉम जवाब ही नहीं दे रही। 4 साल से वो बेहोश है या फिर कोमा में रहेगी? मतलब इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज। अच्छा ये वो बीमारी है जो गेट के नजर आने के बाद से सामने आई थी। ये हर 10,000 लोगों में से किसी एक पर असर करती है। ऐसा माना जाता है कि ये माना के लगातार करीब रहने की वजह से होती है। जो भी हो आजकल की मॉडर्न दवाइयां इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अच्छा सीमेंट की बोरिया डोरा ये कर रहा था इसलिए। ये क्या हुआ? तभी इसने सोचा मुबारक हो जिंबू, अब आप हंटर बनने के लिए तैयार हैं। Yeah. हमें आपकी कामयाबियों का बेसब्री से इंतजार है। बहुत कामयाबी भाई, बॉडी तो सही होना आ रहा है। दिखाया जीना, अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? कुछ नहीं होगा जीना, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। मतलब इसकी सर्वाइविंग दिखा रहे हैं कि इसमें सर्वाइविंग काफी ज्यादा कह रखे हैं। तुम क्या कर रहे हो? वही खड़े रहो और अब हिलना मत। अबे यार के ई रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। बोल लो सालो जितना बोलना है, अभी बहस किया को करेगा ना। इन सबसे दूर रहोगे उतना ही लंबा जियोगे। माफ करना लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। यस मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स को ताकत में 28-31 कर लिया, तो मतलब ऐसे ही ये बढ़ाता जाएगा अपने एबिलिटी पॉइंट्स हैं, तब मजा आएगा भाई। जब ये एक हाई रैंक का बन जाएगा तब तो। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ओ चाकू, बस वही वाला चाकू वापस से। अगर पहले की तरह जरूरत पड़ी तो मैं वहां से भाग निकलूंगा। चाबी इसकी। अच्छा इसके पीछे जा रहा है ये रही चाबी। ताला आ गया। एक तरीके का ये डिजिटल गेम खेल रहा है। नहीं वो आज तक चल नहीं रहा एप्पल विजन प्रो, उस टाइप का एक तरीके का खेल रहा है ना। आ गया अंदर गेट चाबी लगा के। अब यहाँ पे क्या होगा? यू हैव एंटर्ड। बंद नहीं, जाने का रास्ता बंद हो गया। ओ सिर्फ उसके लिए, एंड उसको मेरे को लग रहा है कोई देख भी नहीं सकता। तुम
अलग डायमेंशन में। समझ आ रहा है धीरे धीरे। खाना कोई आम तहखाना नहीं है। मैं पहले कभी इनमें नहीं गया, लेकिन यकीनन ये रेड गेट्स की तरह ही होंगे। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। गेट बंद हो गया। यू कैनॉट एंटर, यू मस्ट डिफीट। अब ये क्या है? शायद तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। मैं तो ई रैंक के दानवों को भी नहीं हरा पाया था, और अब मुझे अकेले इस तहखाने में लड़ना होगा। चलो भाई मजा आएगा फिर। क्या बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? चाकू है बस, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ये मारो या मारो। लेकिन इस वैसे इसकी पावर तो बड़ी है, 31-32 हो गई है ना कुछ तो। लेकिन देखते हैं क्या कर पाएगा ये। अब मैं क्या करूं? अचानक कॉन्फिडेंस भी कम। वो रहे ये आया सामने गॉब्लिन। ये तो तीन तीन है। गॉब्लिन ये इसको याद आ रहा है। कैसे मारेगा? ओए डिफेंड तो अच्छा कर रहा है ये। अभी डिफेंड ही कर रहा है भाई, अटैक भी तो करना पड़ेगा, मारना है तो। इसकी खून खराब हो। साला इतनी प्रैक्टिस करके आया किस लिए ये, जब कुछ कर ही नहीं पा रहा। ओ ये ही तो चाहिए। आया अपने पे साड़ो, अब तुम्हारी मारेगा। एक तो गया, दो बचे अभी। ओ मेरे को क्या ओए उसके खोपड़ी में जो घुसाया है भाई, नाइस। वो मेरे को लग रहा है ये तो अभी मतलब स्टार्टिंग फेज है भाई, अभी तो इससे भी जैसे कि ये तोड़ दिया ले चाकू एक ही बार में। अब जबड़े तो इसके भैंस की लोहे के है। मुझे महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? ये उन दानवों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ओह लाइक गन। पैर कहां पर है? हिल ही नहीं रहे। लेकिन क्यों? क्या मैं डर रहा हूँ? मुझे लगा नहीं था कि मैं अब इस सदमे में हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कोई हीलर नहीं है। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। और बुला रहा है क्या ये? अब कैसे बचेगा? इस पे तो कुछ है, वेपन भी नहीं है। गया भाई भाई भाई, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बिल्डअप, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है ना भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। मतलब लग ही नहीं रहा कि मतलब सी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है, मतलब दिन पर दिन। मतलब इस एपिसोड में इतना कुछ देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इसके आगे देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। जिस हिसाब से बिल्डअप हो रहा है, इसको एक तरीके का मतलब ट्रेनिंग चल रही है अब। मतलब ठीक है, अब ट्रेनिंग चल रही है, इसका जो है पावर बढ़ रही है, रैंक बढ़ेगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसको मतलब इन सब जो मॉन्स्टर से लड़वा के इसको एक तरीके का गिफ्ट मिल गया है कि मतलब इसको बना देगा टॉप का। मेरे को जहाँ तक आगे की स्टोरी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो करूँ तो ऐसा ही होने वाला है कि मतलब ये कुछ टॉप लेवल पे जाने वाला है, मतलब जीत जीत के। लेकिन आगे पता नहीं स्टोरी में क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोले जा रहा हूँ बस, ठीक है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रहा है, उसको मतलब गेमिंग जो है उसकी पावर बढ़ने वाली है, एंड आगे हमको और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेगी ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। बस इसकी ट्रेनिंग चलते चलते हमें देखना है, अब आगे देखेंगे भाई उससे कैसे जीतेगा, क्योंकि वो जो वुल्फ है उसको जबड़ा काफ़ी तगड़ा है और वो पावरफुल काफ़ी है, बट इस पे जो एक ही छोरा लेके आया था ये झांड भर का, तो वो भी टूट गया है, ठीक है। तो अब पता नहीं कैसे जीतने वाला है उसे, आई डोंट नो, वो कल हमको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है मेरे साथ में रिएक्शन देखने में, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, उनको बोले जाके सपोर्ट करें, और सपोर्ट करवा रहे हो तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।